हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल क्लास इन मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स, पीवाईक्यूज, फॉर्मूला सबको कवर अप करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, इससे पहले का जितना भी आपका सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट है, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे सैम्पल पेपर्स हो, चाहे आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, सब कुछ आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। इवन दो कि आपको चैनल पर कंप्लीट फॉर्मूलाज की वीडियो प्लस पीडीएफ का लिंक भी अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की। उसमें उन्होंने क्या बोला है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैचू है हमारे पास जो कि कैसा है, 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम जितनी भी फिगर्स बनाएंगे, चाहे हमारे कोई वॉल हो, चाहे स्टैचू हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिंपल एक सिंगल स्टैंडिंग लाइन से। ठीक है, स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल, एक पेडेस्टल के ऊपर बना हुआ है। ओके, तो यानी कि ये हमारा पेडेस्टल है। ठीक है, पेडेस्टल के ऊपर हमारा ये स्टैचू बना हुआ है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है एक स्टैचू, और ये क्या है हमारा, नीचे वाला एक पेडेस्टल है। ओके, बात समझ में आई। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट है कहीं पर, कहाँ पर है वो पॉइंट हमारा, ग्राउंड पर। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर एक चीज़ को हमने लाइन से डिनोट करना है, तो ग्राउंड को भी मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, लाइन से। और ये हमारा क्या है, एक पॉइंट ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कहाँ बनता है, ऊपर की तरफ, एट द टॉप ऑफ द स्टैचू, जो ये स्टैचू है, स्टैचू के टॉप पर जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये हमारा कितने डिग्री का बन रहा है, उन्होंने बताया है इज 60 डिग्री। स्टैचू की हाइट हमें दी हुई है 1.6 मीटर। ठीक है जी, आई बात समझ में। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से ही, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। जो पेडेस्टल का टॉप है, मतलब यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो कितने डिग्री का बन रहा है हमारा, 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, तो पिछली वीडियो का लास्ट जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम टू सेम वैसा ही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसके लिए क्या करते हैं हम, फर्स्ट स्टेप आपको मैंने क्या समझाया हुआ है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख लेनी है। ठीक है, सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख लेंगे, देन आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, PPP, HH एंड P। फर्स्ट स्टेप डन हो गया। सेकेंड स्टेप आपसे क्या समझाया हुआ है कि आपको डिसाइड करना है कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, और कौन सी आपकी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है जी, अब क्योंकि वही चीज़ है, क्योंकि हमारे पास दो बार एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो ऑब्वियस है कि हम दो बार अपना ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो हम कितनी बार अप्लाई करेंगे, दो बार। तो पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल कितना बन रहा है, 45, क्योंकि ये छोटी वाली लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल अगर हमारे पास एंगल है, तो BC साइड क्या हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी, और छोटे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये पेडेस्ट्रल की हाइट क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, राइट, सो लगाते हैं छोटे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस कौन सी साइड बताती है हमें, टैन थीटा बताता है। ठीक है, तो लगा दो, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है हमारे पास 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब टैन 45 सबको पता है कितना होता है, 1, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। नाउ आप कैसे सिंप्लीफाई करें, बच्चे अटक जाते हैं यहाँ पर कि भाई अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों रेशियोज हैं, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये मैथमेटिकली यहाँ पर नहीं, कहीं पर भी आप पूरे मैथ्स में सॉल्व करेंगे, दो रेशियोज उनके बीच में इक्वल टू का साइन है, तो वो कैसे सॉल्व होती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मतलब बी को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो आंसर आएगा बी, और पी को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, पी आएगा। मतलब आपके पास क्या आ गया, बेस और परपेंडिकुलर दोनों जो हैं वो क्या आ चुके हैं, आपके पास इक्वल आ चुके हैं। ठीक है,
अब क्या करना है, अब आपको बताया मैंने कि आपको अब दूसरे वाले ट्राइंगल में यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, मतलब इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में हमारे पास टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब थीटा कितना है इस बड़े वाले ट्राइंगल में, देखो क्योंकि ट्राइंगल क्या है हमारे पास ए बी सी, मतलब ये वाला थीटा, क्योंकि इसको ए बी साइड को ये साइड टच कर रही है ना, तो थीटा कितना होगा हमारे पास टैन 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, अब प्रपेंडिकुलर देखो इसके लिए ये प्रपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा ये पहले प्रपेंडिकुलर था सी डी प्लस 1.6 मीटर, तो प्रपेंडिकुलर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सी डी प्लस 1.6 एंड डिवाइडेड बाय माई बेस, ओके। सो टैन 60 कितना होता है, टैन 60 हमारे पास होता है रूट 3, दिस इज इक्वल टू, अब सी डी जो सी डी है वो हमारा छोटे वाले के लिए प्रपेंडिकुलर था, तो इसकी जगह पे मैंने दोबारा से लिख दिया पी, पी प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय बेस और प्रपेंडिकुलर दोनों हमारे इक्वल निकले हैं, तो बेस की जगह पे मैंने क्या लिख दिया प्रपेंडिकुलर। अब ध्यान रखना जब हमें डिनोमिनेटर में कुछ गिवन नहीं होता तो वहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट 1 खुद से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो फिर से वही चीज़, क्योंकि दो रेशियोज हैं दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दोनों कैसे सिंप्लीफाई होंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो रूट 3 को हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, रूट 3 पी, दिस इज इक्वल टू 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 देखो बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 को पहले पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आएगा, देन 1 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे 1.6 ही आएगा, ठीक है। देन जब इक्वेशंस होती हैं तो इक्वेशंस इक्वेशन बन गई ना, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कुछ ना कुछ दिया होता है, दैट मीन्स ये इक्वेशन बन गई, थर्ड चैप्टर में पढ़ा है आपने। सो अगर ये इक्वेशन बन गई तो इक्वेशंस कैसे सिंप्लीफाई होती हैं, सेम जो वैल्यूज होती हैं वो आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं, मतलब जो ये पी है ना, ये पी मेरा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा और किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये भी पी की टर्म है ये भी पी की, इसलिए इसको ही मैंने शिफ्ट किया, ठीक है, राइट। सो नाउ अब आप क्या कर सकते हो, वही जैसे पीछे किया, यहाँ से पी को आप कॉमन ले लीजिए, पी को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, रूट 3 माइनस, सब कुछ कॉमन जा चुका है, अभी पिछली वीडियो में भी आपको ये चीज़ समझाई कि जब सब कुछ बाहर कॉमन चला जाता है तो मैथ्स के रूल के हिसाब से हम अंदर क्या लिखते हैं, उस वैल्यू को 1 लिखते हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आंसर आपका आ चुका है, अपने आप टेक्स्ट लाइन में लिखिएगा नोटबुक में, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ साइड में कर रही हूँ, ठीक है। सो पी, पी के साथ ये वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, कैसे पता चला, बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट लगी है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि वो दोनों वैल्यूज हमारी मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर अब ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ब्रैकेट के नीचे जाकर के क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या ये आंसर आया, नहीं आया, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि आंसर कब आता है, कि जब हमारे पास, या तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 माइनस 1, इस चीज़ को जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.73 एंड देन इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तब आपके पास कंप्लीट आंसर आने वाला है, ठीक है। एक तरीका, दूसरा तरीका आपको मैंने सिखाया हुआ है कि रूट जो है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर से अगर आपने रूट को ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे होती है, कि जो नीचे वाली वैल्यू है सेम वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, सिंपली बस उसका साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर अब आपने 1.6 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डन। नीचे फॉर्मूला लगाना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ज़्यादा डिटेल में अगर आपने समझना है तो आप ये चीज़ पिछली वीडियोज़ में से जा कर के देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास आ गया 2 से जब इस वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर, तो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होने वाले, ठीक है जी, राइट। सो आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे आप, द हाइट ऑफ द पेडरिस्टल इज इक्वल टू, जो भी फाइनल आंसर आप लिख रहे हैं, चाहे ये चाहे आप, डजेंट मैटर,
ठीक है, मैटर करता है, साथ में आप मीटर सेंटीमीटर लिखिएगा, उसने आपको यूनिट्स मीटर में दी हैं तो आप भी आंसर में क्या लिख कर आएंगे, मीटर्स। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, उसने क्या लिखा है, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन पेपर में आपको क्या लिख करके दिया, ठीक है जी। राइट, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर नाइन में उन्होंने हमसे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, देखो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आएगी कहाँ की आएगी, टॉप की, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अब एक बिल्डिंग के टॉप पर, बिल्डिंग के टॉप पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगा, मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ से नीचे होगा। तो कहाँ पर है वो पॉइंट, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। अब एक और टावर है के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है हमारा, 30 डिग्री का। ये टावर है और ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है, ओके। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ पर, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, फ्रॉम द फुट लिखा है ना उसने, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा कितने डिग्री का है, दैट इज माई 60 डिग्री। फाइन, नाउ इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, जो टावर है वो हमारा कितनी है, कितनी है उसकी 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमको ये वाली हाइट जो है ये हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी, आई बात समझ में। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी नेमिंग कर ली हमने। देन सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम यहाँ पर एक बार के लिए लिख लेते हैं, साइन कॉस टैन कॉसिक सीकेंट एंड कॉट, और इसकी हम लिख लेते हैं कि कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमें कौन सी साइड प्रोवाइड करती है। राइट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप डन हो गया। सेकेंड स्टेप, अब आपको समझाया हुआ है कि क्योंकि आपको ये दो बार दिया हो तो दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अपने जो है ये काम आपने कितनी बार करना है, आपने दो बार करना है अपने सॉल्यूशन में, ठीक है, दो ट्राइंगल्स लेकर के आप अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। अब कौन सा ट्राइंगल लें और कौन सी हम रेशियो लगाएं, देखो एंगल, देखो एंगल किस में बन रहा है, ये 60 डिग्री एंगल जो है ये कौन सी दो साइड से मिल के बन रहा है, AC और BC से मिलके बन रहा है, तो दैट मीन्स एक ट्राइंगल तो हमारा कौन सा हो गया, ट्राइंगल ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल तो ABC डिसाइड हो गया। अब दूसरा जो ये 30 डिग्री है ये कौन से से मिलके बन रहा है, DB और BC साइड के बीच में बन रहा है, सो दैट मीन्स हमारा ट्राइंगल कौन सा बनेगा, इन ट्राइंगल DBC, ठीक है जी। अब पहले इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ABC ट्राइंगल की, ठीक है, तो ABC ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे, एक मिनट के लिए ये भूल जाओ कि ये नहीं है बीच में, अब देखो अब आपको फिगर कितनी इजी लगेगी, ठीक है, आसान है। अब आपके पास क्या हो गया, ये हमारी क्या हो गई, बेस, और ये क्या हो गई हमारी, प्रपेंडिकुलर। तो अब क्या है, आपको प्रपेंडिकुलर गिवन है 50 मीटर और बेस आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसी बेस को हम अपने बड़े ट्राइंगल में यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमने फाइंड करना है, तो कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करनी है यहाँ पर, टैन थीटा इज इक्वल टू प्रपेंडिकुलर बाय बेस। अब थीटा कितना है, ABC ट्राइंगल का थीटा कितना है हमारा, थीटा है हमारा 60 डिग्री, प्रपेंडिकुलर है 50 डिवाइड बाय बेस, सो टैन 60 कितना होता है, टैन 60 होता है √3, दिस इज इक्वल टू 50 बाय बेस। नाउ अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि क्योंकि दो रेशियोज हैं बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दोनों कैसे सॉल्व होंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बी को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा √3b, दिस इज इक्वल टू 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 50। नाउ अगेन सेम लॉजिक, √3 और बी के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो √3 जब इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट होगा, मीन्स इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा, तो हमारे पास वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो बेस हमारे पास कितना आ गया, 50 √3 मीटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अब इसको मैं दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ जो मैंने अभी इरेज की थी,
ठीक है, अब इसको इरेज कर दीजिए ताकि आपको डायग्राम एकदम से देखते ही समझ में आ जाए। ठीक है, सो अब आपके पास क्या है, इस वाले ट्राइंगल में अगेन ये बेस रहेगा हमारा, ये हमारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। जो ये बी था ये मैंने बिल्डिंग के लिए लिखा था, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। राइट, अगेन सेम चीज़ कि बेस हमारे पास आ चुका है 50/√3 meter और जो हमारे को निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट, टैन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो थीटा कितना है, थीटा है हमारा 30 degree, तो थीटा की जगह पुट करेंगे 30। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है और बेस कितना है हमारे पास 50/√3। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना कि कैसे सॉल्व करूँगी। टैन थीटा कितना होता है, 1/√3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी अपॉन 50/√3, क्योंकि ये वैल्यू हमारी डिवाइड हो रही है पी के साथ, तो जब इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना इन दोनों को, बताया मैंने आपको कि इक्वल टू का साइन है, तो दैट मीन्स दोनों हमने क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 50√3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आता है 50√3। नाउ अब इस √3 को जब मैं पी से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ कितना आ जाएगा, √3 पी। आसान हो गया, बस खत्म क्वेश्चन। अब क्या है, यहाँ पर ये √3 पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो क्या किया था हमने, इस √3 को डिवाइड किया था। तो सेम लॉजिक यहाँ पर लगाने वाली हूँ अब मैं, कि इस √3 को यहाँ नीचे ला करके डिवाइड कर दूंगी। देखो ये √3 तो इसका है, अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई स्टूडेंट्स कि डिवाइड कैसे हो रहा है, ये तो मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई मैंने डिवाइड में जा करके मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो मैं इसको खाली यहाँ पर √3 लिखती, लेकिन इसके साथ इसका दोस्त भी है यहाँ पर, तो इसलिए मुझे दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये डिवाइड ही किया है मैंने इसके साथ, बट डिवाइड में एक और टर्म पड़ी हुई है, तो क्या करते हैं वहाँ पर, मल्टीप्लाई लगा देते हैं। सो √3 को √3 से करेंगे, जब भी रूट में दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आंसर क्या आ जाता है हमारा, वही 50/√3। सो अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपके पास आंसर 16.5 meter, ठीक है। सो आपके पास क्या आंसर आ गया, दैट मीन्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16.5 meter। आई समझ में बात, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो नाउ माय क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, अब उन्होंने क्या बोला है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे बिल्डिंग या किसी भी चीज़ का, उसमें दो चीज़ें होती थी लेकिन दोनों की हाइट अलग अलग थी, बट अब उसने क्या बोला है कि दो पोल्स हैं और दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, ठीक है। देन आर स्टैंडिंग, बट उनको बनाए कहाँ डायग्राम में, दो पोल्स थे हमारे पास, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं दो पोल्स, ठीक है। तो वो चीज़ अब उसने आगे क्लियर की है कि डायग्राम आपको कैसे बनाना है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड, मतलब एक रोड है, ठीक है, इस रोड के जो दो साइड्स हैं ना, इन दोनों साइड्स पर हमारे पास क्या है, दो पोल्स हैं। स्टेटमेंट समझ में आई, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट हैं, कहाँ पर, ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड, रोड के अपोजिट साइड्स पर दो पोल्स हैं, विच इज 80 meter wide, ठीक है जी। हमको इस रोड की जो लेंथ है वो कितनी दी है, 80 meter wide है, लंबी है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, अब इन दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट है, जैसे हम अभी ग्राउंड पर पॉइंट लेट करते थे, फ्रॉम अ पॉइंट वहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते थे, सेम चीज़ अब यहाँ पर है। ऑन द रोड टू द टॉप ऑफ द टावर्स इज 60 degree and 30 degree। अब वो क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से जो इनके टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, वो हमारा कितने डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है और एक हमारा 30 degree, ठीक है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है, राइट, क्योंकि दोनों की इक्वल हाइट है, तो मतलब हमें एक ही बार क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालना है। देन एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, फ्रॉम द पोल्स, पोल्स से हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस भी फाइंड आउट
करना है, तो दो चीज़ें निकाली। सो लेट अस सपोज कि जो ये वाला डिस्टेंस है ये अगर मेरा x मीटर है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरा 80 माइनस x हो जाएगा। टोटल x है, x में से टोटल 80 है, 80 में से x ये है तो बचा हुआ कितना होगा 80 माइनस x होगा, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले तो इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं a b c d e, देन अपना सेकेंड स्टेप्स कर लेते हैं साइन कॉस टैन कॉसिक सेकेंड एंड कॉट, ठीक है जी। सो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सेकेंड स्टेप भी डन हो गया। थर्ड स्टेप आपसे क्या समझाया है कि क्योंकि आपको एंगल दो बार गिवन है सो दैट मीन्स आपने ये दो बार अपनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगानी है। कौन कौन से ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है हमारे पास सी डी, सी डी ए, ठीक है राइट। सेकेंड स्टेप भी डन हो गया। थर्ड स्टेप आपको क्या समझाया कि आपने ट्राइंगल के अंदर डिसाइड करना है कौन सी बेस है कौन सी परपेंडिकुलर है, बिकॉज उसी के बेसिस पर आप अपनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चूज कर सकते हो। तो कर लो, ये वाली साइड क्या बन जाएगी, क्योंकि ये एंगल हमें गिवन है तो ये वाली साइड हमारी छोटी वाली, अब छोटी छोटी लेकर चलनी है दोनों के लिए बी सी, और जब दूसरे की बात करेंगे तो बेस कितना लेंगे हम सी ई, और ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर। बेस हमें पता है एक्स मीटर है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, तो कौन सी लगेगी टैन या कॉट, दोनों में से कोई भी लगा लो। तो टैन लगा करके चलते हैं, तो टैन में हमारे पास क्या होगा, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, उसकी जगह पी ही लिखा, बेस हमने एक्स लेट किया है तो बेस की जगह हमने एक्स लिख दिया। थीटा कितना है देखो डायग्राम में, इस वाले ट्राइंगल में थीटा कितना है 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय एक्स राइट। सो टैन 60 कितना होता है, टैन 60 होता है रूट थ्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय एक्स, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसलिए मैंने खुद से ही 1 लगा लिया, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम 1 लेट कर सकते हैं। नाउ अब इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू का साइन है दैट्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो रूट थ्री को x से करेंगे तो आंसर कितना आएगा रूट थ्री एक्स, दिस इज इक्वल टू p को 1 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा p, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया रूट थ्री एक्स। अब इसी चीज़ को यहाँ पर मैं रूट थ्री एक्स बोल सकती हूँ क्योंकि उसने कहा है कि दोनों की हाइट कैसी है, सेम है एकदम, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। फिर से वही, फिर से कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगेगी टैन थीटा, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा कितना है, थीटा है हमारा 30 डिग्री, सो टैन 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा रूट थ्री एक्स डिवाइड बाय बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 80 माइनस एक्स। नाउ टैन 30 कितना होता है, टैन 30 होता है 1 बाय रूट थ्री, दिस इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स डिवाइड बाय 80 माइनस एक्स। हर स्टेप के बाद दिस इम्प्लाइज का सिंबल लगाते जाइएगा, दिस इम्प्लाइज का मतलब होता है कि इस स्टेप की वजह से ये नेक्स्ट स्टेप आया, देन ये नेक्स्ट स्टेप आया इस स्टेप की वजह से, ओके। सो अब क्या करना है, इक्वल टू है तो दोनों को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 80 माइनस एक्स को जब आप 1 से करोगे तो आंसर आएगा 80 माइनस एक्स। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो सेम चीज आंसर आती है। नाउ रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे तो कितना आएगा 3, और साथ में क्या है हमारे पास एक्स। अब आपको पीछे भी मैंने क्वेश्चन में ये चीज समझाई, ये हमारी क्या बन चुकी है इक्वेशन, क्यों बन चुकी है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ है और राइट हैंड साइड भी कुछ है। तो इक्वेशंस को आप कैसे सिंप्लीफाई करते हो, आप इक्वल इक्वल टर्म्स को, मतलब ये भी एक्स की है ये भी एक्स की है तो इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। सो 80 इज इक्वल टू, ये माइनस की है उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो इट विल बिकम माई 4x, ओके। सो नाउ अब x के साथ जो ये 4 है ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 80 के साथ क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ गया 20 मीटर। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर, ठीक है। मतलब एक पार्ट आंसर आ गया कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है हमारा 20, अगर ये 20 है तो ये दूसरा डिस्टेंस मतलब जो मेरे पास CE है वो कितनी आ जाएगी 80 माइनस एक्स, दैट मीन्स 80 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 60 मीटर, ओके। सो
आप लिख सकते हैं आंसर, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर, दो डिस्टेंसेस है ना, क्योंकि दोनों का हमें पता नहीं, 20 मीटर एंड 60 मीटर। ओके, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना, आंसर छोड़ के नहीं आना बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ देते हैं बट खत्म नहीं हुआ अभी। अभी उसने एक चीज़ और पूछी है, क्या पूछी है उसने आपसे, हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट कैसे निकालोगे पोल की, पोल की हाइट कितनी आई है आपकी, रूट थ्री एक्स आई है, ठीक है। तो पोल की हाइट दैट मीन्स डी ई कितना है हमारे पास, रूट थ्री एक्स, और एक्स कितना आया है हमारे पास 20, सो ये आंसर कितना आ गया 20 रूट थ्री मीटर, ठीक है। तो सेकेंड आंसर क्या आ जाएगा, द हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू 20 रूट थ्री मीटर, डन। सो ये तीन आंसर्स आपके इस क्वेश्चन में आने वाले हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपने रिमेनिंग के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.1 के। सो इफ यू फाइंड माय दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।